Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video we are going to discuss mensuration, and you know mensuration is very important topic as far as SSC, banking, Punjab Patwari and various central plus state government jobs are concerned. So this is part number one, and in every part we will discuss some important questions with regarding these exams. So let's start with the question number one. The first question is If the length of the diagonal AC of the square ABCD is 5.2, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्क्वायर की. देखिए स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो इसका डायगनल होता है, ये डायगनल ये इसकी साइड, तो डायगनल और साइड की रेशियो हमेशा अंडर रूट टू रेशो वन होती है. तो ये मैं याद रखूँ, ओके, अंडर रूट टू रेशो वन. और इसका एरिया का फॉर्मूला एक तो होता है साइड स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर. तो ये दो फॉर्मूला होते हैं एरिया के, और इसका पैरीमीटर होता है 4 × साइड. पैरीमीटर मीन्स द सम ऑफ ऑल साइड, क्लियर. और हमें यहाँ पर क्या गिवन है, डायगनल गिवन है. डायगनल की लेंथ क्या गिवन है, 5.2. तो डायगनल इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है. एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर, हाफ इंटू 5.2 का होल स्क्वायर. तो 5.2 की वैल्यू होती है 27.04, इसका अगर हाफ करेंगे तो 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डायगनल का ये एरिया का फॉर्मूला, ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन, वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ स्क्वायर इज ए. यहाँ पर डायगनल की लेंथ कितनी गिवन है, डायगनल की लेंथ गिवन है ए. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो एरिया का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर होते हैं, और डायगनल की वैल्यू ए पुट कर दो तो हाफ ए स्क्वायर. तो हाफ ए स्क्वायर, ये आपको ऑप्शन नंबर टू, ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगनल ऑफ स्क्वायर इज 4√2. डायगनल की वैल्यू है 4√2. अगर डायगनल की वैल्यू 4√2 है, तो फाइंड द डायगनल ऑफ अनदर स्क्वायर हूज एरिया इज डबल ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर. इसका जो एरिया आएगा, एक और स्क्वायर बनाएंगे जिसका एरिया इससे ट्वाइस होगा, जिसका एरिया इससे ट्वाइस होगा, और उसकी डायगनल की वैल्यू निकालनी है. तो इसका एरिया का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर, हाफ इंटू 4√2 इंटू 4√2. अंडर रूट टू से कट गया तो 4 × 4 16. तो 16 क्या आ गया, इसका एरिया आ गया. ए की वैल्यू अगर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई तो 2 ए की वैल्यू 32 हो गई. If 2a is equal to 32, because यहाँ पर कहा गया डबल ए, तो उसका डायगनल निकालना. तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर इज इक्वल टू 32, डायगनल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एंड डायगनल की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई. डायगनल की वैल्यू आ गई आपके पास 8, क्लियर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन द क्वेश्चन इज सेम. द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज ए प्लस बी. एक स्क्वायर है जिसकी डायगनल की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ए प्लस बी, एंड इसका एरिया ए है. अब दूसरा एक स्क्वायर लेंगे जिसका एरिया 2a होगा, इसका एरिया डबल हो गया, और उसकी डायगनल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. यहाँ पर भी सेम है, एरिया का फॉर्मूला हाफ डायगनल का स्क्वायर. यहाँ पर अब एरिया डबल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें. अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी. अब क्या निकालना, डायगनल निकालना है, तो एरिया ये है, हाफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए प्लस बी, क्लियर. तो अगेन ऑप्शन नंबर टू, ये बस क्वेश्चन है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ड्रॉन ऑन टू लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर. दो स्क्वायर हैं जिसके एरिया का डिफरेंस है 32. तो ये एरिया वन होगा, ये एरिया टू है. इनमें एरिया का जो डिफरेंस हमें गिवन है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. और इफ द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ वन इज लॉन्गर देन अदर बाय 2, और जो लार्जर की लेंथ है वो स्मॉलर से 2 ज़्यादा है. इसकी साइड हम एस ले लेते हैं और इसकी साइड एस प्लस 2 ले लेते हैं. एरिया का फॉर्मूला
साइड स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर 32 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर 32 कटिंग 4s इज इक्वल टू 28 एस इज इक्वल टू 7 इफ एस इज इक्वल टू 7 देन एस प्लस 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ग्रेटर पूछा था तो ग्रेटर का आंसर आपका क्या आ गया 9 आंसर आ गया। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर। एरिया में 32 का डिफरेंस है और साइड में 2 का डिफरेंस है। इफ द डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:5, डायगोनल के रेशियो गिवन है 2:5, एरिया के रेशियो निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला अभी भी हमने बताया, इतनी बार पढ़ ली, हाफ डायगोनल 1 स्क्वायर, हाफ डायगोनल 2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कट, डायगोनल 1 टू डायगोनल 2, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4:25, वेरी इजी टू 4:25, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो चार पैरीमीटर है, पैरीमीटर 1 इज 24, पैरीमीटर 2 इज 32, पैरीमीटर 3 इज 40, पैरीमीटर 4 76 एंड पैरीमीटर 5 80। ओके, यहाँ से हम साइड निकाल लेते हैं, तो यू नो साइड इज पैरीमीटर का 4 टाइम्स डिवाइड कर देते हैं, 6 पैरीमीटर, साइड 8, साइड 10, साइड 19 एंड साइड 20। क्योंकि फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया, पैरीमीटर इज 4 ऑफ द साइड एंड साइड इज पैरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो और एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर 36, एरिया 2 64, एरिया 3 100, एरिया 4 361 एंड एरिया 400। हियर इज 400। अब सब एरिया को क्या कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जो लार्ज जो एक स्क्वायर है वो सब के एरिया का सम है। तो ए इज 36 प्लस 64 100 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 961, तो एरिया इज 961। एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर 961, तो यहाँ से 961 का स्क्वायर रूट होता है 31, तो साइड 31 आ गया। और उसका क्या निकालना है, पैरीमीटर निकालना है। तो पैरीमीटर इज अ 4 ऑफ द साइड, दैट इज अ 4 × 31, आंसर इज 124 आंसर। ठीक है, 124 इज योर आंसर, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल, एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर इसके डायगोनल पे बनाया जा रहा है, एक ऐसा स्क्वायर बनाया जा रहा है जो उसके डायगोनल पे बने, इन दोनों का एरिया, ए रेशियो एरिया ऑन डायगोनल। तो आपको मैंने भी बताया है साइड टू डायगोनल की रेशियो क्या होती है, 1:2। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर है, यहाँ पर डायगोनल स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डायगोनल है, ये ट्राइंगल का डायगोनल इसका साइड हो गई ना, तो साइड है 1 स्क्वायर, डायगोनल होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो 1:2। ठीक है, बिकॉज डायगोनल इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द साइड, एरिया इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल। Now the next question. Next question is, from four corners of a square, sheet of side 4 centimeter. एक स्क्वायर है जिसके चार कॉर्नर हैं और चार कॉर्नर से आर्क ड्रॉ की गई ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस 2 आर कट आउट एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो ऐसे आर्क ड्रॉ की गई है, इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आर्क 2, 2, 2, 2, 2, 2 एंड 2। अगर देखा जाए साइड की लेंथ 4 है, अगर ये आर्क है तो चार आर्क 90, 90, 90, 90, तो ये 360। इन चारों को क्या करना, हमने रिमूव कर देना। अगर चारों को जो रिमूव करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा वो ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है वहाँ से चारों आर्क को माइनस कर देंगे, तो साइड का जो एरिया आएगा वो आएगा
का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर चार आर्क है, 90 90 90 90, तो ये कंप्लीट 90 90 90 और 90 कंप्लीट सर्कल बन जाते हैं। और कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और आर हमारे पास क्या है 2 है, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई। तो ये 4 पाई को इसमें से माइनस करेंगे तो 16 माइनस 4 पाई आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर वाला। तो ये हमारा आंसर आएगा सेकेंड। पूरा एक स्क्वायर लिया, उसमें चार पोर्शन को रिमूव कर दिया 90 90 को, अगर चार आर्क बिकम कंप्लीट सर्कल, ठीक है, तो साइड एरिया लेकर वहाँ से स्क्वायर का एरिया में से चार आर्क माइनस करेंगे, बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 15√2, फाइंड द एरिया। तो डायगोनल की वैल्यू अगेन 15√2 गिवन है, एरिया निकालना है, हाफ डायगोनल स्क्वायर 15√2 कट गया, 15 15 15 15 आंसर इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करोगे तो वी हैव डिस्कस अराउंड 10 क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो को आप दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके क्वेश्चंस इन फ्यूचर्स एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ओके, सो दिस इज टुडे इन दिस वीडियो, थैंक यू एंड टेक केयर।